आज जन्माष्टमी है। पंचांग देखने नहीं आता है तो कैलेंडर देखा कर। पा, मैं जब जॉब करती थी ना तब रोज कैलेंडर देखती थी, मगर अब तो सारे दिन सेम ही लगते हैं। अच्छा एनीवे, एज अ बहू इस बार ये मेरी पहली जन्माष्टमी होगी, तो आज मैं अपने वी के लिए राधा बनूंगी। कितना मजा आएगा ना वी। काव्या, ये सब बच्चों को ही करने दो ना प्लीज। अच्छा, जब अनुपमा के लिए कान्हा बनना होता था तब तो तुम अच्छी तरह से खुशी खुशी तैयार होकर डांस करते थे, आज जब मेरी बारी आई है तब तुम ऑकवर्ड हो रहे हो वी। काव्या, कभी तो कुछ तो सोच समझ के बोला करो। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ अनुपमा, पर बात करने का तरीका, वक्त और जगह तीनों गलत है। अनुपमा सही कह रही है काव्या, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। ओके फाइन, सॉरी, आज मैं किसी का मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, ना ही अपना ना ही किसी और का। आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट टुडे। माय गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आज मैं राधा जी बनूंगी। सो स्वीट, कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मुझे बता। श्योर किंजल। मैं सोच रही थी कि इस साल हमारी किंजल की भी शादी के बाद की पहली जन्माष्टमी है और नंदिनी भी अभी बहू बन के आने ही वाली है, तो क्यों ना इस साल सभी जोड़ियां राधा कृष्ण बने। बार बापू जी आप भी। अच्छा आइडिया है, तो फाइनल सारी जोड़ी राधा कृष्ण बनेगी। अरे नहीं नहीं, बाप मैं नहीं। क्यों? अरे वो उसमें फिर वो मोर पंख वगैरह लगाना नहीं। अरे पर क्यों नहीं? बस मुझे नहीं करना। मैं भी करूँगा। देखो देखो कुछ बापू जी से। अरे पर बापू जी बहुत कूल है, मैं नहीं हूँ। आपको कान्हा जी बनना ही पड़ेगा। नहीं बनूंगा। आप अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे? अरे यार ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। ये ब्लैकमेल नहीं, गुंडागर्दी समझो। आपको कान्हा जी बनना ही पड़ेगा, दैट्स फाइनल। बेटियों के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। ओके फाइन, ओके फाइन, बन जाऊंगा। गुड, चल अब तेरा पाखी बनेगी गोपी। हाँ। और भाई लो तू सुदामा। अरे वाह, इतने हेल्दी सुदामा। वैसे अनुपमा क्या बनेगी? गोपी बनने की तो इसकी उम्र है नहीं, और राधा बनने के लिए कोई कान्हा नहीं है। इस बार त्योहार पे अनुपमा पूरी तरह से अकेली हो जाएगी। किसने कहा मैं अकेली पड़ जाऊंगी? मेरे साथ मेरे कान्हा जी हमेशा है और आज भी रहेंगे। मिस्टर गोपीचंद करोड़िया, मैं 4 इयर्स नहीं, 444 इयर्स का आदमी हूँ। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? It's our thing, man. It's our thing. अरे तू इतना एनर्जी क्यों हो रहा है? हम दोनों ही तो है यहाँ। क्योंकि मैं बहुत फनी लग रहा हूँ जी के, मैं ये उतार रहा हूँ। फनी तो है पर क्यूट लग रहा है। कान्हा जी का बाल रूप है तू तो। अच्छा, और आप? टीनेजर। आप कहां से टीनेजर लगते हैं? यहां से, एटीट्यूड बेबी। अरे वाह, यूएस में तो इस एक्सेंट में कभी इंग्लिश नहीं बोली। यूएस में मैं इंडियन था। हां, यहां क्या आया? एनआरआई यूएस रिटर्न। ओह एनआरआई, आपको पता है ना कि आप यूनिक हो, अपने जैसे इकलौते पीस हो। तू भी तो इकलौता है और अकेला भी। यार आप फिर शुरू हो गए ना, मुझे ये खेलना ही नहीं है। अरे सुनो तो बाल गोपाल, लिसन टू मी मॉम। अगर सभी लोग कान्हा जी बन रहे हैं तो इनसे उनके लिए पगड़ियां बनानी है और उस पे सब पे मोर पंख लगाना है। ओ? ले किंजल। हाँ, ये लाल वाला मेरे समर के लिए। कान्हा जी वैसे तो कुछ खो जाए तो मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ, और मेरे समर की हंसी आप ढूंढ दीजिए ना। समर, वो मार्केट जा रहा है तो केसर की छोटी डिब्बी लेकर आना। जी बा। मम्मी, इसको कहाँ लगाएंगे? बेटा इसे जब पगड़ी बन जाएगी ना, हाँ, तो उसमें बॉर्डर पे लगाना है। मम्मी, आप भी राधा जी बन रही है ना, तो आप तो लहंगा पहनेंगी। हाँ तो मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है तो मैं तो राधा बनूंगी। ये क्या कर रहा है? फास्ट है, फ्रूट खाऊंगा ना। अभी नहीं। क्यों?
जीके बट आई एम हंग्री। से रो रहा है। मैं क्यों रोऊंगा? आप क्यों रो रहे हैं? मैं क्यों रोऊंगा? क्योंकि आप मुझे लेकर ओवर इमोशनल हैं। आपको लगता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो उनके हिस्से का प्यार देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि आप अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करके रो रहे हैं। Naughty, हाँ, you're very naughty. और तिथि के हिसाब से तेरा जन्मदिन है। तिथि वाला happy birthday to you. भगवान तुझे सदा खुश रखे। और ये ले तेरा गिफ्ट। अरे वाह, एक और कॉइन। इस कॉइन को मिलाकर पूरे 44 हो गए। यूएस में कहता था गेट अ लाइफ मैन, अब इंडिया में कहूंगा गेट अ वाइफ मैन। मिलेगी तो मिलेगी, तब तक मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। फैमिली? अरे आप ही तो हैं मेरी पूरी फैमिली। हाँ, मेरे पापा, मेरे चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई, बहन और सबसे इम्पोर्टेंट मम्मी। आज मंदिर जाना है? हाँ, तो जो भी काम है जल्दी से पूरा कर लो। जानती हूँ तो ठीक नहीं है, पर ये भी जानती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। तो बस अपने प्यार पे भरोसा रख। अपने प्यार पे तो पूरा भरोसा है आंटी, लेकिन किस्मत पे नहीं है। जब से रोहन वापस आया है ना, तब से हर वक्त दिल डरा डरा सा रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। से क्यों मिलना था? कुछ बात करनी थी। बोल। Listen bro, I'm not your bro, हाँ? देख, मैं कोई obsessive lover नहीं। कोई तो वजह होगी कि मैं नंदू के लिए US से इंडिया आ गया। I'm here because नंदू was in touch with me. वरना मुझे कैसे पता चलता कि नंदू यहाँ है? और मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा कि वो मुझे आई मिस यू आई लव यू के मैसेज भेजती थी, लेकिन जब मैं मैसेजेस भेजता था तो वो मुझे रिप्लाई जरूर करती थी, एंड दैट टू विद स्माइलीज। आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं हैंडल नहीं कर पाया। मैं घबरा गया था और उसे अवॉइड करने लग गया। वो मेरा डर था, मेरी स्टूपिडिटी थी, या पता नहीं क्या था, जो भी था। आई एम टेलिंग यू, I'm genuinely sorry about it. And to be honest, हमारी relationship ना टूटी थी ना खत्म हुई थी, बस एक pause आ गया था। Dude, I don't know कि तुम दोनों का scene क्या है, लेकिन me and Nandu, we were really close. You know, US में almost हर weekend पे वो मेरे घर पर आकर रहती थी। अब तो उसके साथ रहने की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना रहना बहुत ही मुश्किल लगने लगा है। देख, समर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह फट से आता है और फट से चला भी जाता है। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर भले ही लगे, पर उसकी समझ में आ जाएगा कि अगर तूने उसे नहीं बताया तो वो सिर्फ इसी वजह से कि तू उसे दर्द नहीं देना चाहती थी। पर दर्द तो दे दिया ना मैंने आंटी। प्यार जितना ही ज्यादा होता है, दर्द भी उतना ही गहरा होता है ना? उसकी ये जलसी, उसका ये दर्द, उसका ये गुस्सा, ये
ये सब प्यार के वजह से है। He is hurt because of me. हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो साथ में धनिया और मिर्ची फ्री में मिलती है, चाय की पत्ती का पैकेट लेते हैं तो उसके साथ चम्मच फ्री में मिलता है, वैसे ही प्यार के साथ रोना धोना फ्री में मिलता है। और दर्द का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, बस अपने मन को समझाना पड़ता है कि जब दर्द आए तो अपना दरवाजा बंद करके रखे। पर आंटी, देख बेटा, रूठना मनाना लड़ना झगड़ना ये तो राधा जी और कान्हा जी के बीच में भी होता था, पर इससे उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। तू देखना, आज शाम को जब तुम राधा कृष्ण बनोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा पक्का। और फिर मैं तेरे साथ हूं नंदिनी, हम दोनों मिलके समर से बात करेंगे। मम्मी, हाँ? बाप पूछ रही कि समर कहाँ रह गया, उसे केसर लाने भेजा था, वो जब से गया अभी तक आया ही नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, तो मैं तो नंदू को अपने साथ मूव इन होने के लिए बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया। हे सॉरी, आई नो इट्स हार्ड टू टेक इन, बट मुझे लगा कि तुम्हें सच पता होना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अरे मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं यार, आई जस्ट नो कि मैं नंदू से बहुत प्यार करता हूं और मुझे पता है कि नंदू भी मुझसे बहुत प्यार करती है। डूड, आई डोंट नो कि नंदू ने तुम्हें मेरे बारे में क्या और कितना बताया, बट आई एम श्योर कि उसने उन मोमेंट्स के बारे में नहीं बताया होगा जो हमने साथ में स्पेंड किए। आई नो कि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन नंदू का पहला प्यार मैं हूं और हमेशा मैं ही रहूंगा। शाम को पूजा शुरू होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, कह रहा था शाम की पूजा तक आ जाएगा, किसी काम में फंस गया। तू चिंता मत कर, उसका मन उदास है इसलिए वो बाहर चला गया, वरना अगर ऐसे मुंह लटका के घर में रहता तो सब पूछते ना कि क्या हुआ समर, क्या हुआ समर। मैं शाम को पूजा हो जाने के बाद उससे बात करूंगी। मम, सरप्राइज देती हूँ, वरना मम्मी इतना शर्माएंगी कि देखने नहीं देंगी। बाबूजी, मैं कह रहा हूँ कि आज त्योहार का दिन है तो कैफे से ना कुछ खाना हम लोग वृद्धाश्रम भिजवा देते हैं। गुड, और वो वॉचमैन को भी भेजना। आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, मैं पूरे दिन यही रहूंगा। सुबह सुबह आने के लिए थैंक यू। भाई फेस्टिवल का टाइम है, अकेला थोड़ी मनाता। मम्मी, आपको हेल्प चाहिए? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आंटी, मैं पूजा के लिए फूल लेके आया हूँ। रेवा, आ जाओ, अब हमारी डेकोरेशन में हेल्प कर दो। आओ। अच्छा सुनो, मम्मी ने तुम्हें बताया था ना कि आज सब राधा कृष्ण बन रहे हैं? गुड। हाँ, वो कैफे और डांस स्कूल वाला जो कारखाना है उसके पेपर्स चाहिए। हाँ, वही जो लीगल टीम ने रिजेक्ट किया था ASAP ऑन माय मेल। Please. मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। मम्मी के पास स्मार्टफोन नहीं है इसलिए देविका आंटी ने सारी फोटोज और वीडियोस मुझे भेज दी।
ऐसे नाचेगी तो घुटनों में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। वाओ, बहुत गहरी दोस्ती लगती है। स्वीटी बंद कर ले। अरे क्यों बंद कर, फैमिली को भी देखने दो कि तुमने पार्टी में कितना एंजॉय किया। अरे जब करते हुए शर्म नहीं आ रही थी तो अब देखते हुए शर्म क्यों आ रही है। अरे तुमने ही तो कहा था कि छुपाते वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, तो फिर अब तुम क्यों छुपा रही हो। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो। तुम्हारे लिए, मेरे लिए। सी मम्मी पापा अलग हो गए हैं, पर फिर भी ये देखकर पापा को बुरा लगता। उन्हें बुरा लगता तो तुम जेलस हो जाती, फिर उनसे मीन बातें करती, वो तुम्हें पलट कर जवाब देते और तुम रूम में जाके रोने लगती। इन शॉर्ट तुम्हारी जन्माष्टमी खराब हो जाती। तो तुम्हारी पहली जन्माष्टमी बचाने के लिए मम्मी ने वीडियो रुकवा दी। छुपाना तब होता जब मम्मी बिना बताए गई होती काव्या, पर इट्स सच अ डीसेंट पार्टी, है ना? है ना? हाँ। गुड। हाँ, ये बहुत ही डीसेंट पार्टी है मम्मी। फिर भी बंद कर दे बेटा। मम्मी आप इसलिए ऑकवर्ड हो रही है ना क्योंकि ही इज द सेम गाय जिन्हें कॉलेज पे आप पर क्रश था। कितनी सेम है ना अनुज अनुपमा। पागल थे गई छे। अरे पागल तो वो हो गया था अनु के पीछे, इतना पागल था कि ओ तो अनुज कपाड़िया इज एन ओल्ड फ्लेम। बट स्कूल ये सब तो होता है, कॉलेज में साथ में पढ़ाई लिखाई करना, मिलना, एक दूसरे को पसंद करना, अफेयर करना, ये सब तो कॉमन बातें हैं। तो अनुज कपाड़िया तुम्हारा अफेयर था, तभी मैं सोचूं कि इतनी गहरी केमिस्ट्री को दोस्ती में तो नहीं होती। अनुपमा बताओ ना, ये सब एक तरफा था या आप दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। काव्या तुम्हें हजार बार कहा है कि कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो। अरे सोच के तो तब बोलूंगी ना जब अपने मन से बोल रही होंगी। मैं तो वही बोल रही हूँ जो दिख रहा है। पाखी बंद करो, मम्मी ने कहा ना, सुना नहीं तुमने? त्योहार है तो त्योहार पे ध्यान देते हैं, दूसरों की पार्टीज पे नहीं। हर चीज हर उम्र में शोभा नहीं देती है, वरना कभी घुटनों को तकलीफ होती है, कभी अपनों को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।